नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज नंबर वन। दोस्तों आज हम दर्शन करेंगे हरिद्वार के सबसे प्रसिद्ध मंदिर चंडी माता मंदिर के, और अभी मैं रोपवे के अंदर ही हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और यहाँ के मैं आपको सुंदर दृश्य दिखा दूंगा, सुंदर व्यू दिखा दूंगा। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा है, आज की जो यात्रा है वो हम फ्री में करने वाले हैं। आज हम नील पर्वत पर स्थित चंडी माता के मंदिर चलेंगे, वो भी रोपवे से। और जो उड़न खटोले की यात्रा है आज वो हम फ्री में करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप किस तरह यहाँ पर आकर फ्री में रोपवे से चंडी माता के दर्शन कर सकते हैं, और फ्री में यात्रा करने के लिए आपको अपने साथ में क्या क्या लाना होगा, और रोपवे में बैठकर आप यहाँ के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की हरियाली को और कितनी सुंदरता यहाँ पर है, मौजूद है। और यहाँ के जो नज़ारे हैं बेहद ही खूबसूरत हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ के आसपास के दृश्य भी दिखाऊंगा, और आज हम फुल यात्रा यहाँ की करेंगे। बहुत ही सुंदर यहाँ का जो नज़ारा है देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये यात्रा आज मैं फ्री में कर रहा हूँ रोपवे की, कैसे कर रहा हूँ ये भी आज की वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पास वाले बेल के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलते हैं और मंदिर के आज सुंदर दर्शन करेंगे। तो आइए हम मंदिर के दर्शन करेंगे, और मैं ऊपर से आपको यहाँ का जो व्यू है वो दिखा देता हूँ। आपको यहाँ से काफ़ी सुंदर सुंदर पर्वत नजर आएंगे, आप उनकी हरियाली को यहाँ से देख सकते हैं, उनकी सुंदरता को यहाँ से देख सकते हैं, और आप यहाँ से तमाम हरिद्वार का नज़ारा जो है जो बेहद ही खूबसूरत है उसका आनंद यहाँ पर बैठकर ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद हम वहाँ तक पहुँचने वाले हैं, और लगभग 4 से 5 मिनट लगती है पहुँचने में। और ये मनसा देवी से थोड़ा लंबा रोपवे है, और हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ के भी जो सुंदर नज़ारे हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब जानते हैं फ्री में कैसे आएं। टोक्यो ओलंपिक की हॉकी स्टार वंदना कटारिया और गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के सम्मान में उषा ब्रेको कंपनी ने पहल की है। कंपनी ने घोषणा की है कि वंदना और नीरज नाम के व्यक्तियों के लिए 11 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक रोपवे से चंडी माता की यात्रा करने के लिए कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। और जैसा कि मेरा नाम नीरज है तो मुझसे भी कोई किराया यहाँ पर नहीं लिया गया है, और आपको अपने साथ आधार कार्ड अपना लाना होगा जिससे आपके नाम की पुष्टि हो सके, और कुछ भी यहाँ पर आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने चंडी माता के दर्शन कर लिए हैं और अब मैं वापस चलूँगा। आपको अगर चंडी माता की संपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो चाहिए तो मैं अगली वीडियो डाल दूँगा जिससे आप यहाँ की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों चंडी माता के दर्शन कर लिए हैं, और रोपवे में कोई ज़्यादा खास भीड़ नहीं है, आप आ सकते हैं। और आज का जो ये ट्रिप है वो मैंने फ्री में किया है, रोपवे का जो टिकट है मेरा नहीं लगा है। आप जानते हैं क्यों नहीं लगा है, क्योंकि मेरा नाम नीरज है, और इस समय 11 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक नीरज नाम के लड़के या वंदना नाम की लड़की के लिए कोई भी टिकट यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ उनको अपना आधार कार्ड दिखाकर ही रोपवे में एंट्री मिल जा रही है, जिससे आप चंडी माता के दर्शन यहां पर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। कोई भी आपको यहां पर पैसे देने की बिल्कुल भी यहां पर जरूरत नहीं है, और जैसा कि मैंने किया है ये बिल्कुल सच है। और इस समय पर आप 22 अगस्त तक अगर आपका नाम नीरज या वंदना है तो आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में दर्शन कर सकते हैं माता के, और जैसा कि मैंने किए हैं। और पैदल यात्री काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन रोपवे में इतनी ज़्यादा खास भीड़ नहीं है, आपको दर्शन भी काफ़ी जल्दी यहाँ पर हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं इस समय उड़न खटोले में मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो जब मैं आया था तो उस समय भी मैं अकेला ही था, और मैं आपको बाहर के यहाँ पर जो सुंदर व्यू है वो दिखा देता हूँ।
दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यहाँ का कैसा लगा और आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आपका नाम नीरज है तो आप बिल्कुल फ्री में यहाँ के जो चंडी माता के रोपवे का टिकट है बिल्कुल फ्री में आप ले सकते हैं और चंडी माता के जो दर्शन है एकदम फ्री में आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धूप काफी तेज है दोस्तों जिसके कारण आपको व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ का जो नजारा है बेहद ही खूबसूरत है। मैं आपको रियर कैमरे से दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं छोटा सा एक वाटरफॉल यहाँ पर है जो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ से आप इनके सुंदर दृश्य देख सकते हैं।